वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने पर मुबारकबाद का पैगाम देने के बाद काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने तनकीद करने वालों को करारा जवाब दिया है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने नाकदीन को जवाब देते हुए धमाका खेज इंकशाफ किया। आमिर लियाकत ने कहा कि पाकिस्तान में अगर पाक भारत क्रिकेट सीरीज का इनकार होने जा रहा है तो लोगों को इस बात से क्या तकलीफ है। पाकिस्तान के अवाम खासकर शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान में पाक भारत क्रिकेट सीरीज को एक्शन में देखना चाहते हैं। ये नजम सेठी का नहीं बल्कि एहसान मानी का क्रिकेट बोर्ड है। वजीर आजम के मुबारकबाद के पैगाम से भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद का इम्कान पैदा हो रहा है तो इससे नाकदीन को ख्वा मख्वा क्या तकलीफ है। पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय टीम मुत्तहिदा अरब अमारात के मैदानों की बजाय पाकिस्तान के मैदानों में आकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेले। वाज़ह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑस्ट्रेलिया को इसकी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज हराने पर भारतीय कप्तान विराट कोहली और भारतीय टीम को मुबारकबाद दी थी। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि बरसगीर से ताल्लुक रखने वाले किसी भी मुल्क ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर उन्हें हराया है। जबकि नाकदीन का कहना है कि जहां भारत कश्मीर और LOC पर फायरिंग जारी रखे हुए है तो इमरान खान का ये बयान नामुनासिब है। हमें कश्मीरियों का साथ देना चाहिए ना कि भारतीयों का।